डुबकी लगा ली। नमस्कार दोस्तों, ये देखिए आपको अभी दो नदियों के दर्शन करवाते हैं। ये जो शांत नदी आप देख रहे हैं ना, देख रहे हैं, हाँ जी नमन सर, ये है भागीरथी, ये भागीरथी नदी है। और देखिए आपको डिफरेंस दिखाऊंगा मैं, सीजन में काफी इसका देखो शांत जल कितना है, ये पानी हो जाता है, लेकिन अभी बिल्कुल साफ पानी है, बिल्कुल साफ पानी। और जैसे ही ये अभी आपको दिखाता हूँ मैं, ये भागीरथी नदी कितना शांत जल है। और यहाँ से फिर आपको मिलेगी ये वाली नदी, ये है अलकनंदा नदी, देखिए पीछे से आ रही है। और ये दोनों यहाँ आकर के इस जगह के ऊपर मिल जाती हैं। इसको बोलते हैं हम देवप्रयाग का संगम, अलकनंदा और भागीरथी। हाँ जी, प्रयाग का मतलब भी होता है नदियों का मिलना। बिल्कुल, हमारे उत्तराखंड में बहुत सारे प्रयाग है, देवप्रयाग हम है, रुद्र प्रयाग में भी ऐसा ही है। और आप याद कीजिए प्रयागराज, इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज किया, क्योंकि आज बहुत सारी नदियों का मिलन होता है, मिलन होता है ना। तो ये एडिशनल जानकारी मैं आपको प्रोवाइड, गंगा और यमुना और किसी टाइम पे सरस्वती भी नदी थी जहाँ पर संगम होता था। और मैं आपको बता नहीं सकता कितना अच्छा महसूस हो रहा है यहाँ पर, कितना अद्भुत आपको लगेगा यहाँ आकर के। एक तरफ से देखिए एक धारा बिल्कुल शांत जल, और दूसरी तरफ एक उग्र रूप, और दोनों मिलकर के ये ऋषिकेश और हरिद्वार और आगे की ओर जाती हैं। ये है गंगा, तो प्रणाम है मेरी गंगा मैया को, धन्यवाद, जय गंगा मैया।